नगरी बीकानेर में जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह सेवा आश्रम के विमंदित बच्चों के साथ दीपावली मनाई, जिसके तहत बच्चों के साथ आतिशबाजी की गई। वहीं जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने बताया कि राज्य सरकार के आदेश पर झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों के साथ दीपावली मनाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, साथ ही बच्चों को मिठाइयां और टॉफियां का वितरण किया गया है। कार्यक्रम में आईएएस नित्या, भीष्म कौशिक, द्वारिका प्रसाद समेत अनेक लोग मौजूद रहे। दिवाली से पूर्व दीपावली मरु नगरी बीकानेर में है, ऐसा ही कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है बीकानेर के सेवा आश्रम में। बीकानेर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल के द्वारा एक बड़ा मंदबुद्धि बच्चों के बीच, अमार जो बच्चे हैं उनके बीच आयोजन किया जा रहा है। देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर एडीएम की बात करें, एडीएम सिटी की बात करें, एडीएम एडमिनिस्ट्रेटर ओम प्रकाश जी, पंकज जी, इन सब की बात करें, विष्णु जी की बात करें, पतिसिया जी की बात करें, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं एडिशनल एसपी भी यहाँ पर मौजूद है, बात करना चाहेंगे। क्या कहना सर, सर सर कैसा महसूस कर रहे हैं दीपावली से पहले? दीपावली इस बार जिला प्रशासन दीपावली जो जरूरतमंद लोग हैं उनके साथ मिलकर मना रहा है, ताकि प्रशासन जो दिवाली की खुशियां हैं उन लोगों के साथ बांट सके। आज हमने छठी में भी जो पुनर्वासित झुग्गी झोपड़ी के निवासित लोग हैं उनके साथ में, और यहां पर नारी सुचेतन परिसर के अंतर्गत जो हमारा एमआर होम है उन बच्चों के साथ मिलकर मना रहे हैं। काफी अच्छा लग रहा है, बच्चों में काफी उत्साह है, मिठाई को लेकर, फूल जड़ियों को लेकर उत्साह के साथ दिवाली मना रहे हैं। इस तरह के बच्चों के साथ दीपावली भी पहली बार ही मना रहे हैं। जो यहाँ पर अलग अलग संस्थाएं तो हर साल आती ही है, लेकिन संस्था का कहना है कि यहाँ पर प्रशासन के द्वारा दीपावली का त्यौहार जो है अभी काफी सालों से पहली बार मनाया जा रहा है। ये हरीशा अस्थि अमित बुरानिया जी, हम उनसे बात करना चाहेंगे। बुरानी सर क्या कहेंगे? एक तो दिवाली के पर्व की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेवा आश्रम में इस तरह बच्चों के साथ, स्पेशली एबल्ड बच्चों के साथ दिवाली मनाना, इनके चेहरों पे मासूम मुस्कान देखना, ये बिल्कुल एक अलग अनुभव है। हमारी कुछ नसीबी है कि हम इन मासूम चेहरों के साथ अपनी दिवाली की जो खुशियाँ हैं वो साझा कर पा रहे हैं। सभी को दिवाली की एक बार फिर से शुभकामनाएं। इस तरह की दीपावली भी पहली बार, इस तरह के बच्चों के साथ पहली बार ही निश्चित रूप से इस बार प्रशासन के और भी अभिनव प्रयास रहे हैं, जैसा कि कलेक्टर साहब ने जो रीएबिलेट बस्तियां की हैं उनके साथ भी दिवाली मनाने का प्रशासन का प्रयास रहा है। तो इस तरह का एक बिल्कुल अलग अनुभव है। प्रशासन का जो कमजोर वर्ग है उनके चेहरों पर मुस्कान लाना, उनके साथ खुशियां साझा करना, ये निश्चित ही एक अभिनव प्रयास है। और गति आपका क्या कहना है? कह दिया सर ने सारी बातें, तो बिल्कुल दिवाली के जो है सभी के जीवन में जो है वो खुशी हो, उल्लास हो, इसी का त्यौहार है जो सभी के जीवन में जो है दिवाली के रंग जो है वो उजाला आना चाहिए। इसी सोच से लेके जो लोगों की सामान्य रूप से नहीं रहती व्यवस्था उनके लिए जो है सभी मिलकर हम लोग आए। देखिए पूरा प्रशासन बीकानेर का लगभग यहाँ पर है, मैडम नित्या की भी हैं जिला परिषद की, कैसा फील करती हैं इस तरह के बच्चों? बहुत अच्छी लग रहे हैं ये बच्चों के साथ हम दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए, और बहुत खुश लग रहे हैं बच्चों को देख के, बच्चों भी बहुत फील कर रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत शानदार प्रयास कहा जा सकता है। ओम जी आज दीपावली के से पूर्व जो सेवा आश्रम के जो है हमारे कैंडिडेट्स है इनके साथ दीपावली मना के बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुखद एहसास हो रहा है। पूरे प्रशासन जिला कलेक्टर महोदय के डायरेक्शन में और उनके नेतृत्व में इनके साथ मना बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। समाज कल्याण विभाग से हैं अपने विशेषज्ञ बात करेंगे, लीला जी क्या कहेंगे? सर मासी विमंत्री ग्रह में आज जो दीपोत्सव मनाया जा रहा है, सभी प्रशासन के जिला कलेक्टर, एडीएम सिटी साहब, एडीएम ए साहब और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सारे प्रशासन के साथ मनाया जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रशासन इतना एक्टिव हो के इस तरह की बच्चों के बीच में सर प्रशासन साहब बच्चे भी बहुत खुश है, बच्चों को मिठाइयां दी गई है, बच्चों के साथ हटा के जमीन चकरी वगैरह चलाएगी, बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों को भी। सर देखिए सभी लोगों का बराबर यहाँ पर शानदार प्रयास कहा जा सकता है। बहुत अच्छा लग रहा है, राजस्थान सरकार की संवेदनशीलता का नतीजा है कि जैसे सीएम साहब ने कहा कि वो बच्चे जो अनाथ हुए थे या वो बच्चे जो विमंदित है
वो जो गरीब बच्चे हैं जो कि झोपड़ियों में रह रहे हैं उनके साथ भी दीपावली का त्यौहार मनाना है, तो जिला कलेक्टर महोदय की जो इनिशिएटिव पर हम सब यहाँ आज मौजूद हैं और बच्चों के साथ में दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से यहाँ पर बड़ा प्रयास कहा जा सकता है और बहुत ही शानदार अनुकरणीय प्रयास है जिसके चलते आज दीपावली से पूर्व दीपावली यहाँ एमआर बच्चों के बीच मनाने का प्रयास बीकानेर के जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है। सिंह, A1 TV, बीकानेर।